हेलो, ये मैं अरुण पवार। अभी देश में चल रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बिना वजह, कोई ज़रूरी काम हो तभी निकल सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो कार है, व्हीकल है, वो खड़ा ही रहेगा। और उस दौरान जो है, अभी तो 21 दिन का ही लॉकडाउन हुआ है, आज 31 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी 14-15 दिन अभी हमारी कार्स हैं जो उनको घर पे ही खड़ा रहना है। तो कैसे आप मेंटेन करेंगे कार्स को, उसके बारे में आज वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और ये सारे जो पॉइंट्स जो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इनको ह्यूंडई टाटा सबके द्वारा जारी किया गया है अपने अपने पोर्टल्स पे, और वो भी कहीं ना कहीं मानती हैं कि ये सब चीज़ें जरूरी है कार में, अगर कार आपकी खड़ी रहती है। तो आज सबसे पहले हम पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं। तो 7-8 पॉइंट हम ऐसे देखेंगे जो कि आपको लॉकडाउन के वक्त अपनी कार में ज़रूर, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, मेंटेन करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो बेसिकली यही है, नॉर्मल सभी को आइडिया है कि आपकी जो कार है वो स्टार्ट होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, वरना जो आपकी बैटरी है वो ख़त्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। अगर ये सिंपल सी बात, अगर आपकी नई कार है तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बैटरी बिल्कुल नई होती है, लेकिन जो पुरानी कार्स होती हैं 2.5-3 साल पुरानी, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपने ये हैं टर्मिनल्स, इनको हटाई दें तो ज़्यादा बेहतर है। नई कार्स में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इनको बिना हटाए भी, लेकिन टाइम टू टाइम इनका स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी कार्स हैं बेशक से अभी जैसे बंद है पूरी कार, लेकिन अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि बैटरी कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रही है, लेकिन जो बैक एंड में इसके सिस्टम चलते रहते हैं, जैसे कि आप एंटी थेफ्ट सिस्टम हो गया या इमोबलाइजर वगैरह है, ये सारी चीज़ चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी है जो कंज्यूम होती रहती है। प्लस हम स्टूडियो वगैरह का अपग्रेड करा लेते हैं जिसमें एम्प वगैरह या ये सब चीज़ें भी चलते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको ज़रूर अपनी कार स्टार्ट करनी चाहिए हर तीसरे चौथे दिन, कम से कम 5-10 मिनट के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा एक हफ्ते तक भी अगर नई गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट नहीं भी करेंगे तो कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, बस पेट्रोल गाड़ी में नहीं होती। और जो डीजल गाड़ी होती है, आपने नोटिस करा होगा, उसमें बड़ी बैटरी होती है क्योंकि ज़्यादा बड़ा इंजन होता है तो उसको उसी हिसाब से पावर होती है वो चाहिए होती है, लेकिन पेट्रोल इंजन में आपने देखा होगा बहुत छोटी सी बैटरी होती है। तो ऐसी छोटी बैटरी को स्टार्ट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ये तो अपनी है नॉर्मल जो अपना इंजन के लिए है, ये जो चीज़ें ये एम्पलीफायर की मेरी कार में जा रही हैं तो ये भी पावर कंज्यूम करती हैं, तो इन चीज़ का आप ख्याल रखिए, हो सकता है तो उनको आप ऑफ ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। प्लस इसमें आप जो पानी है बैटरी का वो भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है भाई वो है आपका इससे रिलेटेड। इससे कैसे रिलेटेड है मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो आप अपनी कार में हैंड ब्रेक खींच कर रखते हैं इतने 15-20 दिन, तो वो आपकी कार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे ये तो ड्रम ब्रेक्स वाली हैं, अगर आप दूसरी बड़ी कार्स में अगर आपकी डिस्क ब्रेक हैं पीछे की तरफ भी, तो आपको वो दुख देगी अगर आप 21 दिन बाद उसको हैंड ब्रेक को नीचे करके चलेंगे, कहीं ना कहीं चिपक जाती है, आपको आवाज़ आने लगेगी कुछ। तो कंपनी यही रिकमेंड करती है कि जो आपकी हैंड ब्रेक है इसको आप पुल करके ना रखें, इसके बजाय आप इसको डाउन करके गियर अपना डाल सकते हैं। प्लस अब आपके जो गियर में डालने के बाद जो अगले फ्रंट टायर्स हैं वो तो लॉक हो ही जाएंगे, साथ के साथ अब आपकी दिक्कत होगी पिछले वाले टायर्स की, क्योंकि अगर आप स्लोप पे खड़ी करते हैं, जैसे अभी तो नॉर्मल गाड़ी खड़ी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लोप पे खड़ी होगी तो वो चीज़ आपकी काम नहीं करेगी ज़्यादा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई आपकी जैसे ईंट हो, पत्थर हो, तो या फिर कोई वुडन ब्लॉक हो, आप उसको ऐसे रख सकते हैं दोनों ही टायर्स पे, तो आपकी कार कहीं भी नहीं जाएगी। ये आइडिया बहुत पुराना है और काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। अगर आपकी जो आपने देखा होगा मारुति स्पेशल जो कार्स होते हैं उनमें हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ डिस्टेंस के लिए कार जल्दी रुकती नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना ईंट वगैरह रख सकते हैं दोनों टायर्स के वहाँ पर, और स्लोप के वहाँ पर आप ज़्यादा आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप 21 दिन बाद हैंड ब्रेक वगैरह का कोई यूज़ करेंगे। चाहे तो आप 1-2 ईंट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अगर बिल्कुल ही आपकी जो कार होती है बिल्कुल ही स्लोप पे खड़ी होती है। मेरे को तो बस वो जो अपना गियर वाला सिस्टम है उससे मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि कार मेरी यहाँ गैलरी में खड़ी होती है तो कोई फ्लैट सरफेस है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। थर्ड पॉइंट भी अपना इसी से रिलेटेड है, अगर आपकी कार ऐसे ओपन में खड़ी होती है तो आपको कवर ढकना चाहिए कार में, और कंपनी से यही कहते हैं कि आपको जो इंडोर्स हैं वो उसमें गाड़ी खड़ी करें तो ज़्यादा बेहतर है। होता क्या है कि आप कई बार शहर वगैरह में देखते हैं तो उधर ज़्यादा खड़ी करने की जगह नहीं होती घरों में, तो लोग बाग ज़्यादातर अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं, तो उस टाइम क्या हो सकता है बारिश भी आ सकती है या ओले वगैरह भी पड़ सकते हैं, ऐसे सीज़न है ये, तो उस टाइम के लिए कहीं ना कहीं आपकी कार में ये दिक्कत कर सकती है ये चीज़। बाकी डस्टिंग वगैरह की आपको प्रॉब्लम पता है, डस्ट वगैरह भी आपकी कार पर लग सकता है, उसको फिर क्लीन करते रहो तो ज़्यादा बढ़िया। आप ऐसे गैलरी वगैरह में खड़ी कर दें जहाँ पे ऊपर छत हो या फिर शेड वगैरह हो तो वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगी ये चीज़, क्योंकि लंबे समय के लिए आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो क्यों रिस्क लेना, अपना कोई जगह ढूंढ के ऐसी तो खड़ी कर सकते हैं, वो चीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती है। या फिर अगर जगह नहीं है, ऑब्वियसली अगर जगह नहीं है तो आप कवर ढक सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत उससे भी नहीं होगी, आपकी कार सेफ रहेगी। अगर आप 21 दिन बाद कवर हटाते हैं तो मस्त कार मिलेगी, बिल्कुल डस्ट वगैरह कम से कम आपको मिलेगा कार के ऊपर।
फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो अगर आप अपनी कार को, मान के चलो मैं इस कार को अपनी को एक हफ्ते के लिए सेम पोजीशन में छोड़ देता हूँ, एक इंच भर भी नहीं हिलाता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कुछ कि मेरे को जो अपने टायर्स हैं उनमें फ्लैट स्पॉट दिख जाएं। ऐसा कुछ फ्लैट स्पॉट से मेरा मतलब है जहाँ पे अगर आप कार को बिल्कुल नहीं हिलाते तो ऐसा आपकी जो टायर्स हैं उन पर मार्क पड़ जाते हैं। तो कंपनी यही रिकमेंड करती है कि थोड़ा बहुत आप आगे पीछे अपनी कार को हिला लो, जिसकी वजह से आपकी जो फ्लैट स्पॉट की प्रॉब्लम है ये ना बने। ज़्यादा नहीं तो जैसे कंपाउंड एरिया अपना आगे पीछे थोड़ा बहुत कर लो और अपनी जो टायर है उनको थोड़ा रोटेट कर लो, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम ना आए और आपको जो 21 दिन बाद कार मिले बहुत बढ़िया मिले। फिफ्थ पॉइंट जो रिकमेंडेड है वो है फ्यूल टैंक के बारे में। जैसे ही आप अपने फ्यूल टैंक को, जैसे आपकी बिल्कुल रिजर्व में लगी हुई है तो आपका जो फ्यूल टैंक है वो खाली होता है, तो कंपनीज कहती हैं कि आप अपने जब गाड़ी को खड़ी करो तो अनयूज्ड कार्स में क्या प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपकी जो फ्यूल टैंक है उसमें जंग आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कंपनी बोलती है कि इसको आप या तो आप अगर आपका चांस लगता है कि बाहर जाने का लॉकडाउन के दौरान कुछ ग्रोसरी वगैरह आप लेने जाते हैं तो फुल करा लें टैंक को, जिससे आपकी जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है टैंक में वो ना बने और अपने जो टैंक है उसको ऐसे खोल लें आप। जैसे ये देखो मेरा हाफ से ज़्यादा टैंक है, हाफ है, तो उसमें एकदम से कैसी गैस सी निकली और कितनी बदबू मेरे को अभी आ रही है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अपनी रस्टिंग के लिए बचाने के लिए। वैसे एक ये बात सोचने वाली है, अभी कंपनी लॉकडाउन के वक्त तो ये चीज़ कह रही है, लेकिन जब इनकी स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी रहती है 6-7 महीने, तब ये थोड़ा सा फ्यूल बिल्कुल आगे पीछे करने के लिए उसमें रखते हैं, तब भी तो ये सोचने वाली बात है कि ये तब क्यों नहीं अपनी फुल रखते अपनी कार्स को। आपने स्टॉक यार्ड में अगर कोई गाड़ी देखी हो तो उसमें पीली बत्ती हमेशा नज़र आती है, बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल रहता है उसमें, तब भी तो रस्टिंग उसमें लग सकती है। तो बस यही है, जब उनकी कार खुद की नहीं होती, अब आपने खरीद लिया और आपकी कार हो गई तो आप ये सेफ्टी बरतें और रस्टिंग से बचाने के लिए अपनी कार को फ्यूल है जो ज़्यादा कर लें, मतलब बिल्कुल रिजर्व में ना रखें, यही रिकमेंडेड है, कंपनीज भी यही चीज़ बोलती हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देने की है लॉकडाउन के दौरान, वो आपके इंटीरियर पे। इंटीरियर आप जब भी अपनी कार खड़ी करें तो इंटीरियर को बिल्कुल क्लीन करके खड़ी करें, कोई भी अगर गलत सामान खाने पीने की चीज़ गाड़ी में पड़ी हुई है तो उसको आप निकाल दें, जैसे चिप्स वगैरह हो गए या बिस्किट वगैरह कई बार कार्स में पड़े होते हैं, तो कार्स में आप अपना जैसे ये कपड़े से बिल्कुल पूरे इंटीरियर को साफ करें, वो चीज़ों को बाहर निकाल दें। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप 21 दिन के लिए कार को एक जगह छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपके कार में रेट वगैरह, चूहे वगैरह घुस जाएं और कहीं ना कहीं तार वगैरह अगर आपकी काट देते हैं तो कितना मोटा आपको नुकसान हो सकता है, तो उससे पहले प्रीकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसके लिए आप अपनी जो कार है उस पर ऐसे क्लीनिंग कर सकते हैं, पर जो फालतू का सामान उसको भी निकाल सकते हैं, पानी वगैरह है तो उसको आप खिला दीजिए एक महीने, अगर पानी भी सड़ जाता है और आपको गंदा टेस्ट लगेगा तो उससे बेहतर है आप उसको कहीं अच्छे काम में, मतलब पेड़ पौधों में दे दीजिए। और कार में कोई फालतू की चीज़ पड़ी है तो उसको निकाल दो, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि चूहे या फिर और भी जो अपने इंसेक्ट्स हैं वो कार में घुस के कुछ ना कुछ ख़राब कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ऐसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कार क्लीन करने के लिए, बहुत बढ़िया सौदा है, आप थोड़ा सा ही मारते तो आपकी कार जो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं अपनी कार के लिए, वो आप जब गाड़ी को खड़ी करें तो अपने जो टायर्स हैं उनका बिल्कुल प्रेशर है, जो उनमें हवा है बिल्कुल प्रॉपरली 32-33 जो PSI मारुति बलेनो में रिकमेंड किया जाता है, कोई सी भी कार में जितना आप उतने ही इनको भर के खड़े करें, जिससे टायर्स हैं उनमें हवा अगर कम भी होती है तो आप इमरजेंसी के टाइम पे वो काम आ सकें टायर, ये ना हो कि 21 दिन में हो जाता है कई बार आपके जो अगर थोड़ा बहुत पिंचर कहीं से लीक हो रहा है तो वो बिल्कुल फुस्त हो जाता है, उसकी वजह से आप इस चीज़ को ज़रूर मेंटेन रखें जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो ये थे भाई कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से आप अपनी कार को मेंटेन कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। मेंटेनेंस जरूरी है हर चीज़ का, जो कि कार के साथ भी है, और आप अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, ना कार को निकालें, अगर कोई ज़्यादा जरूरत चीज़ पड़ रही है, कोई ज़्यादा जरूरी है तभी निकलें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, और जितनी जल्दी ये हम अपना इसको सपोर्ट दिखाएंगे, जितने ज़्यादा कम केस आएंगे उतनी जल्दी लॉकडाउन हटेगा और हम भी अपनी कार को घुमा सकेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं इसको चलाए हुए, बस यहाँ से आगे पीछे करे जा रहे हैं। प्लस आप अगर कोई ज़्यादा और ज़्यादा अपना मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अपनी कार को सैनिटाइज भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे डोर हैंडल हो गए या इंटीरियर में आप सैनिटाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह वो भी आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और उन पर्सन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।